इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड कई लोगों को इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन है सो so मैं आपको सबसे पहले बताता हूं फ्लोट क्या होता है सबसे पहले हम क्या समझेंगे व्हाट इज फ्लोट सो क्या हुआ हमें पहला राउंड आया और हमें हमारी मान लीजिए हमने ये चॉइसेस भरी थी वन से लेके ट्वेंटी तक की कुछ चॉइसेस भर दी थी हमारे लिए मान लीजिए हमारा जो मान लीजिए सिक्स नंबर का चॉइस था वो हमें मिल गया ठीक है हमें नंबर का चॉइस मिल गया हमें दिखने लग गया कि हाँ यार मान लीजिए हमारा था भोपाल का एक्सरीज डिजाइन मिल गया भोपाल एक्सरीज डिजाइन मिल गया बट यार हमें अभी भी इच्छा है कि अगर मौका मिले सेकेंड राउंड में थर्ड राउंड में फोर्थ राउंड में फिफ्थ राउंड में सिक्स राउंड में अगर मेरी चॉइसेस के हिसाब से जो वन टू फाइव थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ दोस्तों मेरी चॉइसेस के हिसाब से वन टू फाइव इट इज नॉट अबाउट क्योंकि एनआईए लिखता है बेटर ब्रांच एंड बेटर कैंपस एस पर यू नॉट एस देम और इंडस्ट्री ठीक है बेटर कैंपस एंड बेटर ब्रांच एस पर यू सो एस पर यू आपके वन टू थ्री फोर आर बेटर देन सिक्स ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव आर बेटर देन सिक्स तो अगर आप तब आप एक ऑप्शन लेते हैं फ्लोट तो फ्लोट करते ही आपको वो सीट तो मिल गई पर वन टू थ्री फोर फाइव में अगर नेक्स्ट राउंड में वैकेंसी आएगी तो आपने उन्हें अलाउ किया कि मेरे को सिक्स से मान लीजिए थर्ड पे ले जाइएगा बट जब ये सिक्स टू थर्ड जाएगी एक चीज बहुत ध्यान रखना फ्लोट के केस में कि सिक्स आपका छूट जाएगा मतलब अगर मान लीजिए आपने सिक्स था मैं जैसा बता रहा था भोपाल एक्सरीज डिजाइन पर कोलकाता एक्सरिज डिजाइन थ्री पे था तो अगर आपने फ्लोट किया और नेक्स्ट राउंड में कोलकाता एक्सेसरीज डिजाइन मिल रहा होगा तो आपको वहां आप को वो सीट एलोकेट कर देंगे और सिक्स को रिलीज कर देंगे मार्केट के लिए तो यहां पे दिस इज द क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू गिव इट टू यू अब आते हैं व्हाट इज स्लाइड सो नाउ यू गॉट फॉर एग्जांपल आपने अगेन वही एग्जांपल लेते हैं कि आपने अह आपने बीस चॉइसेस भरे थे आपके बीस टू ट्वेंटी के कुछ आपने भरे, right? 1 20 भरे, से मान के लिए फॉर एग्जाम्पल दैट कैंपस इज गांधीनगर ठीक है गांधीनगर कैंपस के ये चॉइस थे अब आपका पहला काउंसलिंग हुआ दूसरा हुआ जो भी पहला राउंड दूसरा round हुआ और आपको नंबर एट अलॉकेट हो गया आपका चॉइस नंबर एट अलॉकेट हो गया किसका चॉइस आपका चॉइस आपका नंबर एट आपको अलॉकेट हुआ अब आपने बोला कि भाई मैं तो आई एम हैप्पी मेरे को तो गांधीनगर ही रहना है बट मान लो मेरा सेकंड नंबर चॉइस भी गांधीनगर का कोई चार्ट, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ये ले लेते हैं आपको एट नंबर पे गांधीनगर टेक्सटाइल आपने डाला था और फोर पे एफडी डाला था टू पे एफसी डाला था यहां पे आपने ए डी डाला था ठीक है टू पे एफ सी फोर पे एफ डी सिक्स पे ए डी एट पे टी डी ऑफ गांधीनगर अब आपने स्लाइड किया तो नाउ सिस्टम विल मेक यू अगर आपको अवेलेबिलिटी हुई मेक यू जंप फ्रॉम टू फोर और टू वेर एवर इफ दर इज एन अवेलेबिलिटी बट इन दी सेम कैंपस तो दैट इज नोन ए स्लाइड अगेन द क्वेश्चन अप्लाइज अगर आप सेम कैंपस में हैं और आपकी आपके हिसाब से आपका हायर रैंकिंग ब्रांच कोई और ऊपर है तो ये शिफ्ट कर देगा सिस्टम आपको अगर अवेलेबिलिटी होगी आपसे पूछेगा नहीं और जो अलॉकेटेड सीट है उसे रिलीज कर देगा ऑब्वियसली एक सीट अलॉकेट करेगा बट उसके अगेंस्ट में उसको रिलीज कर देगा एंड द सिंपलेस्ट वन इज फ्रीज आपने जो बोला यार मेरे को पहली बार में टेक्सटाइल डिजाइन ऑफ गांधीनगर अलॉकेट हो गया दैट इज माई फर्स्ट एंड बेस्ट चॉइस एंड द फेवरेट चॉइस यू गेट इट You just freeze it and everything is over for you. The process is over for you.